इस बार के इकोनॉमिक्स एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, जो ये पूछता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है, द बैंकर ऑफ ऑल द बैंक्स, वो मनी सप्लाई यानी कि कैसे कंट्रोल करता है, क्रेडिट सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है। तो आपको ये देखना होगा कि मनी सप्लाई के पहली बात इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब आप कहोगे कि CRR, SLR, वो इन सब के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने कैटेगराइज कर दिया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में। तो अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास सबसे पहला जो आ जाता है वो होता है CRR, इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट बाय द बैंकर्स। ये एक प्रपोर्शन है अमाउंट का, यानी कि पैसों का, जो बैंक के पास होता है, किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। CRR एक ऐसा प्रपोर्शन है मनी का जो बैंक के पास होता है। मनी कैन बी इन कैश और इन दैट मनी बैंकिंग, ठीक है ना। तो ये कैश में पैसा होता है बैंक के पास, और क्यों होता है, इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए, ठीक है। और ये जो CRR होता है ये हम लोन्स के लिए बैंक नहीं यूज करते, ठीक है ना। हमारा पैसा जो CRR की फॉर्म में बैंक अपने पास रखता है, होते तो वो डिमांड डिपॉजिट्स है, लेकिन उसमें से जो पैसा वो रिजर्व करता है वो होता है CRR। इसमें से वो लोन नहीं देते। अगर मानो मैंने डिमांड डिपॉजिट करवाई है बैंक में और मैं पैसा निकालने जा रही हूँ, ठीक है, तो जो बैंक के पास CRR होगी वो उसको यूज़ कर सकता है, मुझे जितना भी पैसा चाहिए होगा ओवरऑल डिपॉजिट्स में से वो मुझे निकाल के दे देंगे, ठीक है। और जो बाकी का पैसा होगा अपार्ट फ्रॉम CRR, एक SLR क्रिएट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो पैसा जितना होता है वो लोन्स की फॉर्म में आगे लोगों को ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है। पहले CRR कितना क्रिएट होता था, 4%, और अब भी ये 4% ही क्रिएट होता है। और जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं ना, कि वन बैंक से दूसरे बैंक तक अगर आपको कुछ क्लेम करवाना हो या ट्रांजैक्शन करनी हो, तो वो पैसा जो भी क्लेम इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में होता है ना, इंटर बैंकिंग क्लेम्स में, वो पैसा CRR का RR का नहीं होता, ठीक है ना। CRR में वही पैसा आता है जो लोगों को दिया जा सके इन बाय कैश इन हैंड, ठीक है ना। और ये कौन अपने पास रखता है, RBI। तो कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। SLR होता है कमर्शियल बैंक्स के पास। SLR होता क्या है, लिक्विड एसेट्स होते हैं, यानी कि जो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं। जैसे हम लोग घर वाले होते हैं कोई भी, वो बैंक में जाकर गोल्ड डिपॉजिट करवा देते हैं, तो ये सब किस चीज़ का पार्ट आ जाता है, ये सब SLR का पार्ट आ जाता है, जिसमें हम लोग कैश, लिक्विड एसेट्स और अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, वो क्या होता है, ये एसेट होते हैं या किसी कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दैट इज फ्री एंड क्लियर ऑफ एनी इनकम्बरेंसेज सच एज क्रेडिटर क्लेम और लाइसेंस। अनइनकम्बर्ड एसेट इज मच इजियर टू सेल और ट्रांसफर। तो ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिस पे किसी का कोई हक नहीं होता, ठीक है, जो किसी भी तरह के क्लेम यानी किसी तरह के किसी के हक से कोई ट्रांजैक्शन से फ्री होती हैं। और ये ऐसे सिक्योरिटीज हैं जो ऐसे एसेट हैं जो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं या जिन्हें बेचा और खरीदा जा सकता है, ठीक है, बैंक के पास ये भी होते हैं। और जो SLR होता है वो लोन्स की फॉर्म में यूज नहीं होता, ठीक है। और ये कितना क्रिएट होता है, 19.5% SLR क्रिएट होता है एज पर द 2018 स्टेटमेंट, ठीक है। इफ RBI wants to मनी सप्लाई मनी, SLR विल रिड्यूस, ठीक है। अगर SLR को मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो SLR कम हो जाएगा, अगर RBI को मनी सप्लाई रिड्यूस करना है तो SLR बढ़ा देंगे, यानी कि बैंक के पास सिक्योरिटीज बढ़ा देंगे। SLR क्यों होता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। SLR में इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, और ये कमर्शियल बैंक के पास होता है, ओके, और इसमें अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आ जाती हैं, यानी कि जिनका कोई हायर नहीं होता, लीगल हायर।
तो अब तक हमने पढ़े CRR एंड SLR. CRR और SLR में क्या डिफरेंस है कि SLR जो होता है मेन डिफरेंस कि SLR होता है वो होता है कमर्शियल बैंक के पास. CRR क्या होता है, जैसे टोटल डिमांड डिपॉजिट्स में से कुछ रेशो सेव कर लिए जैसे कि 4%, ठीक है. CRR ने सेव कर लिए ताकि वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर सके. उसके बाद ये किसके पास क्रिएट करता है CRR, कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है. और जो SLR होता है ये लोगों की डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं जो लोग क्रिएट करते हैं बैंक में, ठीक है. और बैंक इसे अपने पास ही रखता है जिसमें लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, यानी कि वो पैसा वो प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल ओनर ना हो, ठीक है. और ये था हमारा CRR एंड SLR. अब करेंगे CDR. अब करते हैं CDR. CDR क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो लोगों के पास होता है उनके हाथों में, यानी कि जो उनके पास अपना कुछ पर्सनली पैसा होता है. और जो दूसरा पैसा होगा वो होगा जो लोग अपना डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में. मीन से डील करता है कि लोगों के पास ओवरऑल पैसा कितना है, ठीक है. अगर लोग अपने जो कैश इन हैंड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, अगर CDR रेशो ज़्यादा होता है तो मीन्स कि जो बैंक्स होता है ना उनके पास क्रेडिट मनी कम क्रिएट होती है, ठीक है. जो बैंक्स होते हैं उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जो CDR होता है, ठीक है, ये दो तरीके की इसमें मनी रिसिप्ट आती है, कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट्स इन द बैंक्स. और ये होता क्या है, ये रेशो है जो मनी हेल्ड बाय द पीपल इन टर्म्स ऑफ कैश एंड मनी हेल्ड बाय द पीपल इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक. मीन्स लोगों के हाथों में और बैंक में कितना पैसा है, ठीक है. इसका फॉर्मूला भी होता है, कैश इन हैंड विद पीपल डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल टू CDR, ठीक है. हायर दिस रेशो ग्रेटर द प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी कैश इन हैंड. जितना CDR ज़्यादा होगा लोगों की प्रेफरेंस क्या होगी कि वो बैंक में कम डिपॉजिट करें और हाथों में ज़्यादा. अब कुछ टाइम पहले तक जो CDR था इंडिया में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है. उसके बाद जब मोदी की कुछ स्कीम्स आई तो जिसमें था कि जीरो कैश बैलेंस से आप अकाउंट खोल सकते हो, तो लोगों ने बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है. ये जितना ज़्यादा CDR होता है उससे क्या होता है कि जो बैंक में मनी का फ्लो होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है, जिससे लोअर क्रेडिट क्रिएट होता है और जिससे कि मनी सप्लाई भी कम हो जाता है बैंक्स के पास, ठीक है. इफ़ बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल आर वेल ग्रोन एज इन एडवांस कंट्रीज कैश इन हैंड इज लेस इन रिलेशन टू डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, ठीक है. अगर बैंकिंग की जो लोगों के अंदर होता है ना कि यस इंटरनेट बैंकिंग करेंगे, तो ऐसे में जो CDR होगा ना लोगों के हाथ में जो लिक्विडिटी रेशो होगा यानी कि कैश इन हैंड लिक्विड एसेट्स होंगे वो रेशो कम हो जाएगा. और यही चीज़ होती है एडवांस कंट्रीज में, उनके पास CDR कम होता है और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. Rarely you will see money in their hands. This increases cash reserves of the commercial bank. और यही cash reserve increase कर देता है commercial bank के. Cash reserve कौन से? CRR and SLR. And raises their capacity to create credit. Accordingly, supply of money by the commercial banks tends to rise. और इसी तरह से money का जो supply होता है commercial banks के पास वो बढ़ जाता है. अब एक और आता है LLR. LLR में दो तरीके के components आ जाते हैं, CRR एंड SLR. CRR एंड SLR मैंने आपको दोनों को बता दिया है कि ये दोनों होते क्या है. बस LLR में क्या है कि LLR के दो कॉम्पोनेंट्स है, CRR एंड SLR. अगला इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक रेट एंड रेपो रेट, ठीक है. इन दोनों की मदद से जो हमारा बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ठीक है. अब बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम करेंगे रेपो रेट. रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जिस पे जो RBI होती हैं वो कमर्शियल बैंक को लोन देती हैं, ठीक है. और इसके बदले में वो क्या लेती हैं, इसके बदले में वो कोलेटरल लेती हैं. कोलेटरल होती है सिक्योरिटीज़. कमर्शियल बैंक को अपनी कोई सिक्योरिटीज़ RBI में रखवानी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर वो लोन लेती हैं, ठीक है. और जो भी सिक्योरिटीज़ वो गिरवी रखती हैं फॉर लोन, उन सिक्योरिटीज़ को बाद में रीपरचेज किया जा सकता है. रीपरचेज होता है कि दोबारा ख़रीदा जा सकता है, इसीलिए इसको रीपरचेज रेट भी कहा जाता है, ठीक है. रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी कहा जाता है.
और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं बाय द कमर्शियल बैंक। जो रेपो रेट होता है वो लो होता है और बैंक रेट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, ये वो लोन है जो हमें आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक्स को, पर इसमें आरबीआई जो लोन देते टाइम किसी तरह का कोई कोलेटरल नहीं लेती। ठीक है, और कोलेटरल नहीं लेती तो मीन्स रीपर्चेज ऑफ कुछ सिक्योरिटीज भी नहीं हुआ। ठीक है, इसे कहा जाता है रेट ऑफ डिस्काउंट। इसको सिक्योरिटीज़ को बार बार रीपर्चेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी तरह की आपको अपनी कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती, इसलिए इसको रेट ऑफ डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, और बैंक रेट क्यों लिया जाता है, ये कमर्शियल बैंक बैंक रेट पे इसलिए लेता है क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को कोई इमीडिएट कैश प्रॉब्लम आ गई, कोई कैश क्रंच यानी कि कोई कैश प्रॉब्लम आ गई, तो वो लोन ले सकता है ताकि वो इमीडिएट सॉल्यूशन कर सके, फटाफट मनी ट्रांसफ़र हो जाए। तो जो वो रेट होता है वो होता है बैंक रेट। ठीक है, रेपो रेट इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए नहीं होता, बैंक रेट इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए होता है। ओके, और जो बैंक रेट होता है वो हाई होता है रेपो रेट से, और जो बैंक रेट होता है ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, रेपो रेट है एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, बट ये बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों ही हमारे क्रेडिट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कि मनी में कि क्रेडिट फ्लो क्या होनी चाहिए, अगर मार्केट में मनी कम हो गई तो इन दोनों रेट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि मनी में मार्केट कम हो गई यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई जहाँ पे लोगों के पास पैसा कम है, तो क्या होगा, तो बैंक रेट एंड रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, और जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो बैंक रेट एंड रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स थे, टू पॉलिसी रेट्स, बैंक रेट एंड रेपो रेट। ठीक है, अब हम करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी इसका एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मनी सप्लाई में हेल्पफुल है। पर आपने ये सोचा आगे फर्दर कंटिन्यू करने में कि जो रेपो रेट होता है उसी को मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है और बैंक रेट को क्यों नहीं? क्योंकि जो बैंक रेट होता है ना वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए होता है, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये जो बैंक रेट होता है ना वो पे से सेटर नहीं होता। पे सेटर क्या होता है कि जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना उसे उस टाइम पे कह लो ना सॉल्व कर दे। ठीक है, तो बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, इसीलिए जो कमर्शियल बैंक जो अपना डिपॉजिट्स वगैरह करवाते हैं और बोरो करते हैं मनी आरबीआई से, तो आरबीआई रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट यूज़ करता है। रेपो रेट तो आपने पढ़ लिया कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे जो कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से कोलेटरल रखवा के, पर रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब आरबीआई इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक को, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी यानी कि एसेट्स कैश ज़्यादा होते हैं तो वो डिपॉजिट करवा देते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, उस केस में आरबीआई इन्हें देता है मनी, इंटरेस्ट देता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन पे आते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस होता है एक्टिविटीज, ओपन मींस खुला, मार्केट आपको पता है जहाँ पे कोई चीज़ खरीदी और बेची जाती है, जहाँ एक सेलर होता है और एक कस्टमर होता है, मार्केट वही होती है। ठीक है ना, जहाँ एक सेलर हो और एक कस्टमर हो। ठीक है, तो ओपन इसमें कमर्शियल बैंक के चैप्टर में इसका क्या रोल, इसका ये रोल है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है, खरीदना और बेचना होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो मनी सप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो क्या होगा, तो सेंट्रल बैंक होगा। ठीक है, वो इन सिक्योरिटीज़ को जो भी होती हैं उसे खरीदेगा, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगर मनी सप्लाई कम करना हो तो ये सिक्योरिटीज़ बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है,
अब अगले करेंगे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती है, वो मार्जिन आपको पता है कि थोड़ा सा गैप रखना कि ठीक है आपकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है ठीक है ना, वो और जितना लोन आपको मिलता है उसमें गैप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाउस है 1 करोड़ का, आप उसे बेचते हो या बैंक वाले उसे मॉर्टगेज कर लेते हैं, तो क्या करोगे? आपका 80 लाख का लोन था बैंक के पास, मॉर्टगेज होता है कि किसी चीज़ की बोली लगा देना ठीक है, तो होता है ना, तो 1 करोड़ का वो बेचते हैं, तो जो 20 लाख हुआ ये हुआ मार्जिन ठीक है, कि जो उनके पास बच गया। और ये किस चीज़ के काम आता है? ट्रेडिंग के काम आ जाता है, रिस्क को सिक्योर कर देता है किसी भी तरीके के। और ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है ये कब काम हो जाता है? जब हमें मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करना होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा कब दिया जाता है? जब मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज करना हो ठीक है। अब करेंगे राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये होता है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड, पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक फिक्सेस क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स फॉर ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ठीक है, वो जो एक बिजनेस फॉर्म होता है ठीक है, उनका एक अकाउंट होता है जिसमें से वो मनी कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं और डिपॉजिट करवा सकते हैं ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये लोग होता है ना, तो आप ये तो जिस अकाउंट का नॉर्मली मैंने आपको बताया, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना ठीक है, उनसे जो बिजनेस फॉर्म्स होती है ना, एक कोटा होता है, एक लिमिट होता है ठीक है ना, कि आप एक क्रेडिट, आपको पता है कि मनी उधार देना, और कोटा होता है लिमिट ठीक है ना न्यूमेरिक फॉर्म्स में। तो एक क्रेडिट कोटा सेटअप कर देते हैं कि इस बिजनेस फॉर्म को जो इतने से इतने लिमिट तक कमाती है उनको इससे ज़्यादा नहीं देना। अब जैसे आप ये देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं, तो वो भी क्रेडिट सिस्टम में मनी जनरेशन। तो वो क्या है कि उसमें जो लोग कम कमाते हैं ठीक है ना, जिनकी सैलरी पर मंथ 50,000 है, तो उनको क्रेडिट लिमिट कितनी दी गई है? 2 से 3 से 4 लाख, उससे ज़्यादा नहीं ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, 50,000 कमाने वालों को 1 करोड़ की लिमिट दे देंगे, ऐसे तो मनी सप्लाई का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्रेडिट कोटा सेटअप किया जाता है कि जिसकी जितनी इनकम है ताकि वो रीपे कर सके ठीक है। ये होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट ठीक है। अगर जो इस लिमिट से एक्सीड कर जाओ, कि अगर मान लीजिए आपका 2 लाख का था, 2 लाख खत्म कर दिया, अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो गई, आप 2,50,000 का खर्चा करते हो, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हैवी इंटरेस्ट ठीक है। मॉरल सुएजन थर्ड नंबर। अब ये क्या होता है? मॉरल सुएजन, समटाइम्स सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक्स एग्री थ्रू पर्सुएशन और प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। द मेंबर बैंक्स जनरली डू नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ सेंट्रल बैंक। यह समझ आ गया कि जो मेंबर बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक की एडवाइस को मानते हैं ठीक है, सेंट्रल बैंक की एडवाइसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। द बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ठीक है। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है और डिमांड भी जिसके कारण बहुत ज़्यादा होगी, पैसा होगा तो डिमांड होगी और सप्लाई है ना उससे एक्सीड कर जाती है डिमांड। तो ऐसी सिचुएशन पे जो बैंक्स होते हैं ना, उन्हें लोन देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि अगर बैंक लोन देंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में और ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा ठीक है ना, और उन्हें लिबरल होना पड़ेगा ठीक है, उन्हें उनको लोन देना होगा जिनको वाकई में ज़रूरत है ठीक है। हाउ एवर इट इज़ टू बी डिनोटेड दैट मॉरल सुएजन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पर्सुएशन एंड प्रेशर। पर्सुएशन होता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट होना, और प्रेशर होता है कि स्ट्रेस होना, फोर्स होना, दबाव पड़ना। अब आपने पढ़ा कि इन्फ्लेशन पे क्रेडिट ग्रांट करना रिस्ट्रिक्टेड होता है, और डिफ्लेशन में लिबरल होता है ठीक है। लिबरल मींस उन्हें छूट दी जाती है कि अगर डिफ्लेशन है तो आप क्रेडिट ग्रांट कर सकते हो। द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू परसुएट द कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव। जो सेंट्रल बैंक है वो परसुएट करता है
वो ऑर्डर देता है, वो कहता है कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के डायरेक्टिव्स को मानना चाहिए, बट इफ़ पर्सुएशन डज नॉट वर्क, मीन्स कि उनकी जो कहते हैं ना कि हाँ आपको काम करना चाहिए, ठीक है ना, प्यार से समझाते हैं एक पर्सन को, और जब वो प्यार से नहीं मानता तो दबाव डालते हैं। सो ऐसे ही सिस्टम है, पहले सेंट्रल बैंक परजुएट करता है, ठीक है, नॉर्मली बताता है, ठीक है, जब सेंट्रल बैंक की बातें कमर्शियल बैंक नहीं मानते, ठीक है ना, तो सेंट्रल बैंक जो होता है एज एन एपेक्स बैंक होता है ऑफ द कंट्री, मीन्स मेन बैंक, ठीक है ना, कि द सेंटर ऑफ ऑल द बैंक्स, एपेक्स बैंक्स, तो उसे प्रेशर देता है वो कमर्शियल बैंक को कि वो उसके डायरेक्टिव्स को फॉलो करे, बट इफ पर्सुएशन डज नॉट वर्क इट यूजेस द रिक्वायर्ड प्रेशर एज एन अ बैंक एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, इफ प्रेशर ऑल्सो डज नॉट वर्क द सेंट्रल बैंक कैन यूज डायरेक्ट एक्शंस विच इंक्लूड डी रिकॉग्निशन ऑफ द कंसर्न्ड बैंक। जब वो बैंक ना सुने प्रेशर से भी और पर्सुएशन से भी, सो उस बैंक की जो एग्जिस्टेंस को खारिज कर दिया जाता है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मॉरल सुएशन वर्क्स बोथ एज एन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, तो ये गाइडलाइंस तो देखो क्वांटिटेटिव में भी होती हैं, क्वालिटेटिव में भी होती हैं, सो मॉरल सुएशन दोनों में एक्ट करता है, ठीक है, पर इसे हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा कहते हैं। सो ये थे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने पढ़े, ठीक है, क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रेट, रिजर्व रेशियो, SLR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन। अब एक टर्म आती है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको कितना क्रेडिट फ्लो देखना है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपको ये देखना होगा कि उन प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रॉपरली कोई क्रेडिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, ठीक है। इट रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। रिलेटिंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स को देता है कुछ को नहीं देता, ठीक है, और इस सिलेक्टिव सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में जिनको देता है। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सर्टन सेक्टर्स, प्रायोरिटी सेक्टर्स में इंक्रीज विद अ व्यू टू स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन इन दीज फैक्टर्स, कि यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल सकती है, सो आप यहाँ पे इन लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ पोजिशन एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। ऑन द अदर हैंड द सेंट्रल बैंक में डिसाइड टू रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू सर्टन नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स। फिर जो सेंट्रल बैंक होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट टू नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि अगर डिफ्लेशन हो जाए या फिर इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है ना, जनरली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन जब लोगों के पास डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज लाइक स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज डिस्करेज। सो तो लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होता है वो डिक्रीज कर देते हैं, जिससे उनकी जो एक्स्ट्रा हाई मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, सो वो कम हो जाती है, ठीक है, डिफ्लेशन पे इसका ऑपोजिट। ओके,